हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी पहाड़ों में इतनी प्यारी सी धूप आई हुई है, तो आजकल लगातार धूप आ रही है। कल भी बहुत प्यारी सी धूप आई थी और आज भी। तो हम लोग अपना सुबह का खाना कर चुके हैं और खाना खाने के बाद मैं आराम से धूप में बैठा था, क्योंकि अब देखो घर पर ही धूप आ गई है और सामने से आ रही इतनी प्यारी सी धूप। हो सकता है धूप की किरणों की वजह से आपको पूरा काला दिख रहा होगा सामने अपना खूबसूरत सा घर। तो अभी योगी और मैं आराम से धूप में बैठे हुए हैं और मम्मी क्या कर रही है, खाना खाने के बाद जो बर्तन होते हैं उनको धो रही है, और दादी गई हुई है धूप में उधर साइड, यानी कि जहाँ पे सुबह ही धूप आ जाती है। घर में तो थोड़ा लेट आती है क्योंकि अभी टाइम हो गया, 9:54 हो गए। तो अभी मस्त करके बैठते हैं, उसके बाद मेरे को जाना है पंकु भैया के घर में। वहाँ क्यों जाना है वो आपको आगे को पता चल जाएगा थोड़ी देर तो धूप का। मैं भी आऊँगा। तुम भी आओगे? चलो बढ़िया। घर आगे आगे हमारे योगी चल रहे हैं। योगी, आज तो आपने नमस्ते बोला ही नहीं। नमस्ते, ठीक हो तुम? बढ़िया। तो अभी योगी और मैं जाने लग गए पंकु भैया के घर में। जैसे कि मैंने आपको बता रखा था, हम लोग पंकु भैया के यहाँ जाने वाले हैं और मेरे हाथ में है ब्रश। तो इस बात से आपको पता चल गया होगा कि इससे क्या होता है, इससे पेंट ही होगा। तो कल हम लोग पिछले ब्लॉक पे गए हुए थे मार्केट, और मार्केट से लाए थे बहुत सारे पेंट। अभी आपको घर में जाके पता चलेगा, और मैंने आपको बोल रखा था कि आपके लिए एक सरप्राइज़ है, वो सरप्राइज़ भी आज आपको पता चल ही जाएगा कुछ मिनटों बाद। अभी मैं नहीं बता रहा, पंकु भैया के घर में जाएंगे उसके बाद ही बताएंगे। हेलो डप्पी। हेलो डप्पी भी आ गया हमारे पास। हेलो डप्पी, खाना खा लिया तूने? टप्पी क्या देख रहा है? लंगूर भगाएगा, लंगूर भगाएगा, लंगूर। यहाँ से टप्पी लंगूर देख रहा है अपने एरिया के। सामने रही रोड और इतनी प्यारी सी धूप लगी हुई है, और ये रहा पूरा पंकु भैया का घर, और यहाँ पे योगी खेल रहे हैं। सो गाइज, अभी चल रहा है घर पे पेंट। मेरे हाथ पे पूरा पेंट लगा हुआ है, इसमें तो कम लगा है, इसमें पूरा ज़्यादा पेंट लगा हुआ है। और मेरा वाला ब्लेस अभी पंकज भैया के पास है, पंकज भैया लगा रहे हैं पेंट। तो इस वाले कमरे लग रहा है जो गोट पे है। तो अब पेंट क्यों लग रहा है अब आपको बताता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। तो पंकज भैया और लक्कू भैया का हो रहा है जनेऊ संस्कार, तो उसी की तैयारी चल रही है। 2 और 3 को फंक्शन है, इसीलिए घर में भी पूरा पेंट का काम चल रहा है। और योगी यहाँ पे खेल रहा है, अम्मा बैठी हुई है, अभी मस्त करके पेंट लग रहा है। तो मैं दिखाता हूँ आपको कितना पेंट हम लोगों ने लगा दिया। अम्मा यहाँ पे सफाई कर रही है, और यहाँ पर है दादा, दादा लगा रहे हैं यहाँ पे पेंट रेड कलर का ये वाला। और पंकु भैया तुम तो मेरे लगे हुए पेंट में पेंट लगा रहे हो, पागल हो गया। और यहाँ पे दूसरा दादा लगा रहे पेंट नीला वाला, और पंकज भैया तो खाली बस मजे ले रहे हैं। अभी तक मैंने लगा, अब जाके ब्रश पकड़ा है। अरे भाई नहीं 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 भाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सॉरी सॉरी गलती, अरे भाई मेरे मुंह से निकल गई। गलती होगी साहब, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो यहाँ पे होगा जने संस्कार, तो यहाँ पूरा पेंट चल रहा है। पहले इस वाली साइड करेंगे, उसके बाद करेंगे अंदर वाली साइड। वाह पंकज भैया, कैसा लग रहा है? बहुत ही फीलिंग कैसी है? हम बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। फाइनली छत का काम तो पूरा कंप्लीट हो गया, कुछ इस तरीके से दिख रही है इतनी खूबसूरत सी छत। और सामने है दादा, दादा पी रहे हैं चाय, और ये लक्कू और होशियार भैया और योगी और डिग्गू। अरे बड़ा चिल्ला रहे हो। तो यहाँ पे पूरा पेंट ही पेंट बिखर रखा है, और इस तरीके कुछ सामान बिखर रखा है। अरे चिल्लाओ मत। तो देखो कुछ इस तरीके से पेंट किया हम लोगों ने, इस तरीके से इतना प्यारा सा लगा है। तो इतनी प्यारी सी डिजाइन आ रखी है, आई होप कि आपको बहुत अच्छी लग रही होगी इस तरीके से। और इसका पूरा पूरा सिरे दादा को जाता है। सो गाइस, शाम का मौसम कुछ इस तरीके का हो गया है, पूरी पहाड़ियाँ ढक गई हैं, पूरा कोहरा ही कोहरा हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, पूरा कोहरा कोहरा हो रहा है। सामने है मम्मी, और मम्मी ने बनाई है मस्त वाली चाय। तो शाम के इतने खूबसूरत से व्यू के साथ अभी अपनी चाय चल रही है। तो क्या करते हैं, मस्त के चाय पीते हैं। और यहाँ पर जिमी खेल रहा था। जिमी चाय पिएगा? जिमी बहुत ज़्यादा खेल रहा है, चाय पिएगा? बता चाय पिएगा? और मेरे हाथ तो पूरा पेंट ही पेंट है, अभी तक ही पेंट निकला नहीं है, क्योंकि सुबह से लेकर अभी तक पूरा पेंट ही किया हमने पंकज भैया घर में, और अभी काम कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी और बचा है, कल भी पेंट करना है। फिलहाल तो अपनी चाय कंप्लीट करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो एक और नया दिन शुरू हो गया, और आज भी हम लोगों ने कोई ब्लॉग अपलोड नहीं किया, यानी कि आज है 30 तारीख। तो आज मैंने कोई वीडियो इसलिए नहीं डाला क्योंकि हम लोग कल थे पंकु भैया के घर पे, और पूरे दिन हम लोगों ने पेंट किया है, तो अभी टाइम ही नहीं हुआ, और आज भी हम लोगों को पेंट ही करना है। फिलहाल तो अभी घर पे हैं, अभी खाना खा के जाएंगे और पूरे दिन पेंट करने वाले हैं। अभी मैं हूँ मस्त करके छत में, और छत की इतनी प्यारी सी धूप लगी हुई है। अभी चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे जो ताऊजी लोगों का घर का काम चल रहा था, कितना हो गया आपको वो दिखाता हूँ मैं। और सामने है योगी,
और यहाँ पे बन रहा किचन में खाना। ताई जी बना रही है खाना। ताऊ जी क्या बना खाने में? खाना कुछ नहीं यार, ऐसा ही दाल भात बनी है, दुबका बना है। हेलो योगी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। खाना खा के गए? ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे मिस्त्री जी, नमस्कार। नमस्कार। तो यहाँ पे देखो, ये चला पूरा काम, और इतना काम हो गया है क्योंकि हमने 2 दिन शूट नहीं किया, तो इतनी पूरी दीवार दे दी है, ये और ऊंची होगी अभी, तो इतना सारा काम हो गया है। और हम लोग तो कहाँ पे थे, हम लोग थे पंकु भैया के घर पे, तो मैं सब शूट नहीं कर पाया, और आज शूट कर रहा हूँ। अभी फिर से जाना है मेरे को खाना खा के दोबारा से पेंट करने के लिए, तब तक ये और ऊंचा हो जाएगा। और सामने है नवीन दादा, और योगी तुम भी आओगे? हाँ। पक्का? हाँ। सच में? हाँ। चलो बढ़िया है। सामने रही हमारी भैंसें, इनको हमने सुबह ही बांध दिया था धूप में, क्योंकि घर में धूप आती नहीं है, इसलिए इनको यहाँ बांध दिया। और इनको मेरे को डालनी है घास, जो कि यहाँ पे रखी हुई है, ये घास मेरे को इनको डालनी है। और सामने हमारा पिंकू, यानी कि भैंस का बच्चा, और बैल हमारे इस वाले खेत पे हैं, तो इनको यहाँ पे बांध के रखा है। और थोड़ी घास मैं अभी डाल जाऊँगा, बाकी घास तो मम्मी अभी खेत से काटेगी, उसके बाद डालेगी। और अभी जो मैं व्लॉग कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ मैं फ़ोन से, आई होप कि आपको अच्छा दिख रहा होगा, पहाड़ों का व्यू भी काफ़ी अच्छा हो रखा है, और ऊपर से हमारा जिमी भौंक रहा है बहुत ज़्यादा, और आसमान पूरा क्लीन है, पता नहीं क्या हो गया, लंगूर आ रखे हैं शायद, वहाँ से भौंक रहा है जिमी बहुत ज़्यादा। और दादा लेके जा रहे हैं पत्थर यहाँ पे, ये अभी डिग्गू है, और पीछे से दादा आ रहे हैं, तो यहाँ से ताऊ जी पत्थर रख रहे हैं, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ से पत्थर लेके जा रहे हैं इस वाले रास्ते से सीधे घर, जहाँ पे घर का काम चल रहा है। और मिस्त्री जी घर पे ही हैं, भाभी भी आ गई है एक चक्कर लेके, तो एक चक्कर पहुँचा के आ गई है, दूसरा लेने जा रही है, यहाँ से लेके जाएंगी सीधे घर। और ये सामने ये हैं घास के लूट, इनको हम लोगों ने असौच के महीने में काट के रख दिया होता है। इनको हम लोग कब यूज़ करते हैं? इनको यूज़ करते हैं हम बरसात के समय पे, यानी कि जब हम जंगल से घास नहीं ला सकते, तो इन वाली घास का यूज़ किया जाता है। और अभी तो फ़िलहाल मेरे को इस घास का यूज़ करना है, ये पूरी हरी वाली है, इनको घास मैंने डाल दी, ये घास खा रहे हैं। और ऊपर से दादा भी आ गए दूसरे चक्कर पे, तो ये रहे दादा कंधे में लेके जा रहे हैं पत्थर इस तरीके से। भाभी हैं, ताऊ जी हैं, दादा हैं, सभी लोग हैं, और मेरे को जाना है पंकू भैया के घर पे। आजकल बारिश की वजह से गेहूं भी काफ़ी अच्छे हो गए, पूरे खेतों में हरियाली आ रखी है, और फ़ोन से ब्लॉग करने में अलग ही फील आ रहा है, पूरा बड़ा बड़ा दिख रहा है, कैमरे पे तो छोटा छोटा दिखता है। तो ये पूरे अपने खेत हैं, इतने प्यार से गेहूं यहाँ पे हो रखे हैं हमारे, और यहाँ पे पूरे जानवर बांध रखे चाची लोगों ने, और दादी बैठी है यहाँ पे धूप पे, दादी हमेशा यहीं पे बैठती है सुबह आके, और यहाँ से आ रही इतनी प्यारी सी धूप। दादा कर रहे हैं यहाँ पे पेंट, तो इतनी प्यारी सी डिज़ाइन निकल ली है, अभी तक तो वाइट वाला पेंट किया, अभी रेड वाला हो रहा है। और दूसरे चल दादा वहाँ से कर रहे हैं, और भूपेन दादा पाइप में कर रहे हैं, और बाकी पंकू भैया क्या कर रहे हैं, पेंट को डाल रहे हैं, पेंट क्योंकि ख़त्म हो गया था। और आम बैठी हुई है यहाँ पे योगी, तो हम लोगों को करना है नीचे साइड, अभी आपको नीचे दिखाते हैं। पंकू भैया और मेरे को करना है यहाँ पे पेंट, इस वाली दीवार पूरा वाइट करना है, और अंदर इतनी प्यारी सी डिज़ाइन निकल रखी है, हालांकि पूरा सामान बिखर रखा है, तो इस तरीके से निकल रखी है डिज़ाइन, पिंक कलर लगा रखा है, और ये डिज़ाइन कुछ इस तरीके से निकल रखी है। ये रही अपनी चाय, और चाय चलिए गुड़ वाली, सामने है पंकू भैया, यहाँ पे चाय चलिए, दादा लोगों ने चाय पी ली है, तो दादा यहाँ से पेंट कर रहे हैं, और दूसरे चल दादा यहाँ से, हमको दे रखा है दादा ने ये वाला हिस्सा, यानी कि नीचे वाला हिस्सा, ये पूरा हम लोगों ने पेंट करना है। पहाड़ों पे पूरी शाम होने वाली है, और धूप यहाँ तक चली गई, और गांव की धूप तो लगभग चली गई, और अपना आज का काम कितना हुआ है ये देख लो, कुछ इस तरीके से लग रहा है घर, बस इतना सा बचा हुआ है बस करना, बाकी तो पूरा हो जाएगा। अभी दोनों दादा लोग कर रहे हैं, और नीचे पूरा पेंट हम लोगों ने कर दिया है, और यहाँ से पूरी यहाँ पर धूप चली गई है, तो यहाँ से पूरा अंधेरा आ रहा होगा। सो गाइज, अभी हो गई है पूरी शाम, और मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। तो हम लोगों ने आज क्या किया, आज ही पंकू भैया के घर पे पेंट किया था, तो इसलिए मैं ज़्यादा सूट नहीं कर पाया, क्योंकि पूरे दिन ब्रश ऊपर नीचे करना पड़ता है, इसलिए मैं सूट नहीं कर पाया। और हम लोगों ने लगभग काम कंप्लीट कर लिया है, अभी बचा है पूरा कंप्लीट तो नहीं हुआ है, शायद कल भी हमें पेंट ही करना पड़ेगा, या फिर कुछ और काम करना पड़ेगा, मेरे को नहीं पता। अभी 2 और 3 को फंक्शन है, तो लगातार ही काम करना पड़ेगा, पड़ोस का मामला भी है, और पंकू भैया हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो हमें काम करना बनता ही है। और वैसे भी पहाड़ों में होता है, गांव में, कि एक दूसरे की हम लोग हेल्प करते हैं हर चीज़ में, और वैसे भी पंकू भैया के घर में बहुत अच्छा काम होने जा रहा है, तो हमें सपोर्ट करना तो बनता है, इसलिए हमसे जितना होगा हम पूरी मदद करेंगे। और उसके बाद क्या हुआ था कि हमारे पेंट करने का मम्मी लोग और सभी गाँव के, यानी कि हमारे पड़ोस के सभी लोग गए थे रोड पर, तो थोड़ा वह सामान जो आता वो भी सामान लेके आ गए, वो मैं सूट नहीं कर पाया क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था इसीलिए, पर कल हम लोग पूरा सूट करके दिखाएंगे, और आपको ये भी दिखाएंगे कि हम लोग क्या क्या सामान लेके आए थे
करके, और बाकी कल जो भी कार्य होगा और आगे को जो भी पूरी प्रोसेस होगी वो आपको देखने को मिलेगी, सब कुछ आपको दिखाएंगे। बस हम लोग थोड़ा बहुत बिजी हो गए थे इसलिए मैं शूट नहीं कर पाया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, साथ में अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो पे, अगले ब्लॉग पे। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, बाय बाय, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।